आप सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अभी बहुत दो दिन से पूरा धूप नहीं उग रहा है दोस्तों, काफ़ी ठंड लग रहा था, तो अभी हम लोग पूरा बैठे हुए हैं ऊपर में, देख सकते हैं थोड़ा धूप का आनंद ले रहे हैं। काफ़ी थोड़ा सा बहुत अच्छा उगा है, कपड़ा है, सब खींचे हैं और कपड़ा उपड़ा भी थोड़ा सा घाट दी है। तो अभी फिर भी हवा चल रहा है, तो अभी भी ठंडा लग रहा है दोस्तों। जंगली देश में थोड़ा सा ज़्यादा हवा हुआ आता है, ठंड लगता है। और हम लोग सब, और आज संडे है दोस्तों, मतलब कि इतवार है, तो आज देखिए बच्चे लोग कोई स्कूल नहीं गए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों हमारा गांव में जैसे पड़ोसी हैं वो लोग आलू बैठ चुका है और कोड़ रहे हैं, तो देख सकते हैं वो हमारा भाभी लगते हैं। और देखिए अभी आलूआ कोड़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा आलू बैठा है। उधर देखिए डब्बा सब में भरे हुए हैं और यहीं से पूर्णिमा जी लाए हैं, जैसे आलू का जो पत्ता होते हैं उनको हम लोग थोड़ा सा दाल बनाते हैं तो सुखाने के लिए लाए हैं। तो चलिए आपको भी वहाँ पर दिखाते हैं, चलिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अभी पूर्णिमा जी आलू उलू का जो पत्ता लाए हुए हैं उसको, मतलब कि पत्ता पत्ता को निकाल रहे हैं और जो उसको जड़ वगैरह है उसको फेंक रहे हैं। एक कट्ठा में हम दिखा सकते हैं, देखिए इस तरह पूरा आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं। हमारा पूरा फैमिली है इस जगह में, मेरा मम्मी, मेरा पापा और देख सकते हैं पूरा बैठे हुए हैं, बच्चे सब पूरा एकदम छोड़ा रहे हैं। हम लोग इसको जैसे कि आपको पूरा एकदम अलुआ का ये पत्ता है, तो इधर पूर्णिमा जी छोड़ा रहे हैं, अपना अपना गोतनी है ये लोग, तो देख सकते हैं काफ़ी मस्त लगता है इसका दाल। तो पूछते हैं, हमारे मम्मी भी यहाँ पर बगल में बैठी हुई है और छोड़ा रहे हैं एकदम मिजाज से एकदम, और धूप का भी पूरा अच्छा तरह से आनंद ले रहे हैं। काफ़ी दो दिन से मतलब धूप नहीं उगा था, तो धूप भी मार रहा है और आलूआ भी छोड़ा रहे हैं पत्ता का, तो काफ़ी मज़ा लग रहा होगा। तो पूछते हैं मम्मी किस तरह से इसको बनाते हैं, हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं, तो बता। तो ये वाला ऐसे करना पड़ता है कि अभी इसको पत्ता पत्ता तोड़ के इसको धो देंगे, धोल के बाद में इसको सूखने दे देंगे। जो चटई चटई पटिया होता है उसी में है, इसको सुखाने के लिए दे देंगे। जब सूख जाएगा तो उसको पूरा हाथ में इसको बुकनी बना देंगे और सब जितना जो है ये वाला ये जा रहा है ये सब निकल जाएगा। और इसको बुकनी बना के इसको कहा जाता है गुड़ा, गुड़ा बन जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, प्याज से बढ़िया से उसको माड़ में डालेंगे। प्याज पहले भूंजेंगे, उसके बाद माड़ डालेंगे, उसके बाद साग डालेंगे, उसके बाद टमाटर डालेंगे, तब खाए में बहुत स्वाद, दाल को फेल कर देता है एकदम, बहुत स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। एकदम आलू का है, आलू ठीक नहीं लगता है लेकिन उसको पता ठीक लगता है। इसको शहर के आदमी नहीं खाया होगा, मेरी बात मानो, इसको खाए के देखो, इसको आलू के पता आलू से ज्यादा टेस्ट लगता है, बहुत सुरपने में इतना अच्छा लगता है नी कि दो कमर ज्यादा खाना खाता है। मसाला मसाला में गर्मी हो जाता है कि पोते खाने से खाना हो जाता है। तो देखिए दोस्तों हमारे मम्मी कुछ बताई, देहाती हम लोग रहते हैं गांव में, इस तरह का करके हम लोग खाते हैं। तो सभी मिल माल के हम लोग जिस तरह के इस तरह का सुखाएंगे और मिल बांट के बांट लेंगे, और जो हम लोग जो राइस जो खाना बनाते हैं चावल, तो उसी में से मैं जो माड़ पसता है दोस्तों, तो उसी में फेंट कर और हल्का कुछ पानी देकर और इसी का सुखाया हुआ जो पाउडर टाइप का बनाएंगे तो उसको डाल देंगे। हम लोग इसे गांव देहात में तो साग गुड़ा बोलते हैं दोस्तों, आप लोग क्या नाम से जानते हैं तो हम लोग को पता नहीं, तो बस उसको फिर हम लोग फिर फेंट कर बनाएंगे और खाएंगे। तो देखिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं अभी पूरा, ऐसे ही हमारा पड़ोसी का आप लोग को दिखावे किए बारी, और हमारा पापा को दिखाते हैं कुछ वो सी रहे हैं, झोला बना रहे हैं। मेरा पापा एक झोला बना रहे हैं अपने से घरेलू, अपना दिमाग लगा कर, तो देख सकते हैं एकदम नहा धोवा लिए हैं और धूप का भी आनंद ले रहे हैं, और देखिए जिस झोला को सी रहे हैं एकदम। तो पूछते हैं झोला को काचे करिएगा बाबा, ये झोला को हम करेंगे इतना मतलब सस्ता घा जैसे गुंडा हो जाएगा, तो हम मतलब पहले नंबर हम जोगाड़ रहे हैं राशन के लिए, हम बना रहे हैं सी रहे हैं। अच्छा, मतलब पापा कर रहे हैं गुड़ा, जैसे कि इसको पाउडर जैसा हम लोग कर देंगे सूखने के बाद, तो उसी के लिए झोला बना रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा से बना रहे हैं एकदम सी सी के दोस्तों।
ये बोरा का है और फार के कैंची उची से किस तरह से एकदम बढ़िया से झोला छोटा सा बना रहे हैं। तो इसमें अंदर में जितना पाउडर होगा साग वाला तो उसी को इसमें डालेंगे अंदर में यहाँ और रख देगी। जब जब बनाने के लगेगा दाल बोलते हैं तो सब 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 बनाएंगे। हाँ यहाँ डालते हैं तो मतलब गुड़ा खराब नहीं होता है और बड़ा स्वाद लगता है। खांसी मेट के फेंक दीजिएगा लेकिन सरपटेगा ना, बड़ी ही अच्छा बहुत अच्छा लगता है। वीडियो बने रहिए। पूर्णिमा जी अभी बर्तन थोड़ा सा मिस रहे हैं क्योंकि ठंडा के मौसम में थोड़ा धूप रहेगा दोस्तों, उसी समय मिसिएगा तो थोड़ा सा ठंडा नहीं लगता है धोने में। तो देख लक्ष्मी को देखिए किस तरह से धो रही है लक्ष्मी, देखिए देखिए मेरे हाथ में लग गए जी। अरे लक्ष्मी तुम इसी तरह सीखो बेटा तो तुम शादी हो जाएगी ना। शर्मा रही है लक्ष्मी शादी के बाद बोले तो शादी हो जाएगा बेटा तो तुम्हारा जो सास ससुर होंगे ना तुमको काफी तारीफ करेंगे। तुम्हारा अच्छे से जखी मिसती है, तुम संस्कारी लड़की है, अच्छा समझती है, ऐसा बोलेगा। इधर दिखाओ ना चेहरा दिखाओ ना, जल्दी बात कीजिएगा। अभी नहीं, अभी जल्दी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ेगी तब तक सीखेगी तब ना। देखिए एक ही दिन कोई सीख कर नहीं आता है, उसको धीरे 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 सीखता है क्या दोस्तों। एक ही बार कोई सीखता तो चलिए इसको हम बड़ा कर लेते हैं और एक ही दिन में सीख जाता, लेकिन नहीं हम अभी जब तक रहेंगे तब तक इसको काम करने थोड़ी ना देंगे जी। दोस्तों काफी दोस्तों लोग हमारा भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि बच्चे लोग को आप लोग पढ़ाते हैं कि नहीं, कि थोड़ा ध्यान दीजिए घर में। तो दोस्तों हम लोग भी बच्चे लोग को थोड़ा सा ध्यान देंगे घर में, पढ़ाएंगे और इसे भी पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग घर में थोड़ा सा ABCD जो भी होता है जितना भी जानते हैं वो हम लोग सिखाएंगे और इसी। तो ठीक है दोस्तों वीडियो में बने रहिए। दोस्तों हम लोग थोड़ा सा लकड़ी लाने के लिए जा रहे हैं, तापने उपने के लिए भी होता है, तो अभी नदी की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। साइकिल में बैठ कर जाएंगे और पूर्णिमा जी देखिए आ रहे हैं, हम आगे जाके चल रहे हैं, हमारा घर पीछे छूट चुका है दोस्तों। हम लोग साइकिल में बैठते हैं दोस्तों, बैठ रहे हैं पीछे की तरफ में देख सकते हैं जी। और हम बैठ चुके हैं साइकिल में दोस्तों, देख सकते हैं साइकिल में, हम ऊपर थोड़ा सा दिखाते हैं और लीजिए जी आप पकड़ लीजिए, इधर से लीजिए हमको यहाँ ना बोरा रखा हुआ ना। तो दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं नदी की तरफ, थोड़ा सा लकड़ी उकड़ी लाएंगे और देखिए हो गया जी आपका। हाँ लीजिए कैमरा पकड़ लीजिए। पर हम डबल ये कैसे कैमरा पकड़े, एक हाथ में कैमरा पकड़ लीजिए गिर जाएंगे जी। लीजिए ऐसे पकड़ेंगे, चलिए। तो दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं, पूर्णिमा जी अभी कैमरा पकड़ा दिए हैं, पकड़ा दिए हम लोग जा रहे हैं लकड़ी चुनने के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग अभी चल रहे हैं, कृष्णा और लक्ष्मी को भी घर पे छोड़ दिए हैं और अभी हम लोग रास्ते में चल रहे हैं दोस्तों। काफी हबुड़ खबुड़ रास्ता है दोस्तों, रास्ता अच्छा तरह से बना नहीं है ना, इसीलिए देखिए गाँव का रास्ता है, इधर जंगल झाड़ी वाला है। तो देखिए आगे का तरह आपको दिखा रहे हैं रास्ता कैसे है, ज्यादा मतलब बालू के जैसा है। तो दोस्तों आप लोग को पूर्णिमा जी को साइकिल चलाने के लिए देंगे, कहे कि शक्ति ने बहुत बोलती है कि हम चलाएंगे और सीखेंगे। तो ऐसे भी तो ये लेडीज साइकिल नहीं है दोस्तों, ये बूढ़ा साइकिल है कैसे चलाने सकेंगे हम। लेकिन ये बोलती है कि अजी आप तो लिए हैं तो आप ही आप लोग सीख रहे हैं, ये भी बोलती है सीखेंगे। तो हम बोलते हैं कि दोस्तों जिस दिन कमाई होगा उस दिन स्कूटी चलानी, बोलता है कि पता नहीं होगा कि नहीं, हमारा किस्मत में कभी पैसा आएगा कि नहीं आएगा, हमको विश्वास मेरे खातिर ही विश्वास करते हैं दोस्तों। पहली बार आप लोग को बता रहे हैं क्योंकि ये सोचती है कि यूट्यूब से पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये सोचती है, लेकिन हम बोलते हैं कि एकदम आएगी, आता है पैसा, सबको देखते हैं ना। तो उसी दिन बोलते हैं कि आएगा तो तुम्हारा स्कूटी ले देंगे, सेकेंड हैंड ले देंगे, चाहे जो भी। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। छोटा हम लोग पहुँच चुके हैं और इधर का नज़ारा देख सकते हैं, इधर सूरज है डूबने वाला है, अभी समय तो है कुछ। और देखिए उधर पुल बंधाया हुआ है दोस्तों नदी का, तो हम लोग नदी की तरफ आए हैं। और परास का जो जड़ होता है दोस्तों उसी जड़ में हम लोग अभी जो है लकड़ी को फाड़ेंगे और गमला में भरेंगे, तापने उपने के लिए हो जाएगा और खाना बनाने के लिए भी हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग अभी आए हैं, साइकिल को यहीं खड़ा कर देंगे। देखिए महुआ का पेड़ है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों। इसमें काफ़ी महुआ गिरता है और काफ़ी इसका दारू वगैरह क्या क्या बनाते हैं लोग लोग नशा वाला, हम तो बोलेंगे दारू नहीं बनाते हैं जहर बनाते हैं दोस्तों। तो चलिए चलिए जी ले लीजिए डब्बा ले लीजिए और टंगली ले लीजिए,
चलिए तो दोस्तों हम लोग अभी निकलते हैं, फाड़ेंगे वहाँ पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसी लकड़ी के पास में, तो हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं। नीचे की साइड नदी भी है, तो जो जड़ है मोटा है परास का, एकदम यही मोटा है, उसमें काट काट के छोटे छोटे चैला बोलते हैं, चैला करेंगे और लेकर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए। एक जड़ जो पा रहे थे, देखिए ये परास का है, तो उसको घिस घार के तीर घार के हम लोग निकाले गजार पे। देखिए इधर पीछे तरफ गजार दिखा रहा होगा, वही झूठ झाड़ से निकलाए हैं हम लोग। पूर्णिमा जी देखिए काट रहे हैं और आपको बैंक कमरा दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों इसी हम लोग जड़ है परास का है और इसी को हम लोग अभी काट कुट के लेगेंगे। और अभी देख रहे हैं पूर्णिमा जी भी फाड़ रहे हैं और इसी तरफ से है, देखिए छोटा छोटा चैला निकाल रहे हैं और इसी तरफ फाड़ फाड़ के हम लोग लेगेंगे। फिलहाल अभी हम ही फाड़ देंगे दोस्तों, और चलिए आप लोग देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए अलकुसी यहाँ पर है और हम लोग जिस तरफ काम कर रहे हैं उसी फाड़ रहे हैं उस तरफ, यहाँ अलकुसी बहुत कलकलाता है दोस्तों। शरीर में किसी को में फेंक दीजिएगा ना, बाप रे बाप, पूरा ऐसा लगेगा ना, है ना उसको दे दीजिए। पूर्णिमा जी बोल रहे हैं कि जिसका दुश्मनी है उसमें, मतलब ये अलकुसी का जड़ को जो है वहाँ पर उसको दे दीजिए कहते हैं। चलिए दोस्तों नदी में कुछ दिखाते हैं, जो उसको छुइएगा ना तो पूरा वो लजा जाता है, ऐसा घास है। तो आप लोग अगर बूझ गए हैं तो बहुत बढ़िया की बात है कि कौन सा हम घास का बात बोल रहे हैं दोस्तों। अगर नदी के धार में वो सब हर एक नदी डैम वगैरह रहता है झील वेल, तो वहाँ पर वो घास रहते हैं, उसको जैसे छुइएगा तैसे वो शर्मा जाता है। तो शर्मिली घास, चलिए दिखते हैं बताते हैं। लजोनी घास। तो देखिए दोस्तों मेरा पत्नी अभी नहीं बोलने चाह रहे थे लेकिन बोल दी, अगर आप लोग जान गए होंगे तो फिर भी चलिए आप लोग को दिखाते हैं लजोनी घास। हम उस घास की तरफ आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, क्या कि हम भी थोड़ा डरा डरा के जाते हैं ताकि घास ना डरे। अभी देखिए कितना अच्छा सा खिला हुआ है, यही सभी घास है जितना देख रहे हैं आप लोग। और पूर्णिमा जी देखिए दोस्तों उधर लकड़ी फाड़ रहे हैं और इधर हम आप लोग थोड़ा सा आप लोग के लिए कॉमेडी कर रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बड़ा सा, तो इसको हम अभी छू के देखेंगे दोस्तों। देखिए एक शर्माइएगा क्या, तो देखिए इसको धीरे धीरे हाथ को ले रहे हैं, देखिए दोस्तों दबर रहा है, देखिए देखिए किस तरह से जियोंगर रहा है, इसको भी छुएंगे। आहा, देखिए दोस्तों कैसे एक मुड़ा गया, देखिए ये वाला किस तरह सा हो गया, इसको भी अच्छा अभी थोड़ा सा है इसको, देखिए ये भी थोड़ा सा मुड़ गया। अभी देखिए और दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर बड़े सा है ये वाला, देखिए देखिए दोस्तों पूरा किस तरह का हो गया, एकदम पूरा एकदम ये लोग कितना सुंदर खिला हुआ था और अभी किस तरह का हो गया, सबको हिला देते हैं। देखिए सब एकदम शर्मा गए, मतलब कि सो गए दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा ये लोग को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, काफ़ी फैमिली में टेंशन होता होगा तो कि भाई कौन आ गया है कम बकर हम लोग को इस तरह का कर रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा लकड़ी फाड़ देते हैं, पूर्णिमा जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि कितना सारा फाड़ा हुआ है। और ये काफ़ी हरियाली देखो दोस्तों, देख सकते हैं एकदम काशी फूला है, फूल वगैरह है और काफ़ी मौसम अच्छा किया है और दिखने में पूरा मस्त लग रहा है दोस्तों। अगर आप लोग देख रहे हैं तो न्यू है तो प्लीज़ यार प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जाइएगा, है ना। उसके बदले हम लोग जब पैसा आएंगे तो आप लोग को लड्डू खिलाएंगे आप लोग का मनपसंद। तो चलिए देखिए पूर्णिमा जी बहुत सारा काट लिए दोस्तों, हम इधर आप लोग से बातें करने में रह गए हैं, काफ़ी हम लोग मेहनत करते हैं दोस्तों, काफ़ी पूर्णिमा जी पूरा हेल्प करते हैं हमारा, किसी भी काम रहते हैं पूरा एकदम करती है। तो देख सकते हैं फाड़ रही है, लाइए जी फाड़ देंगे, लीजिए कैमरा, लाइए 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 दीजिए ना, हम फाड़ देंगे जी, परेशान नहीं हुई, लाइए ना। तो दोस्तों पूर्णिमा जी को कैमरा दे रहे हैं और थक भी गई है और हम चलते हैं फाड़ने के लिए। लो पकड़िए कैमरा लीजिए ना, चलिए हम फाड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि आप मेरा पारी है, थोड़ा गमछा वमछा रख देते हैं तो डिस्टर्ब होगा। देख सकते हैं काफ़ी फाड़ ली, एकदम अच्छे से तेला वेला निकाल दिए है, देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम डब्बा में भर लेते हैं तेला दोस्तों, इतना सारा फाड़ी हुई है अब देख सकते हैं, पूरा एकदम अपने से फाड़ी हुई है, एकदम मस्त फाड़ी हुई है, एकदम ठंडा में मज़ा आ जाएगा तब अपने अपने के लिए। देख सकते हैं उधर भी है जी, वो
की उधर दूर से साड़ी है तो उसको ले जाएंगे हम लोग। देख सकते हैं दोस्तों हम काटते हैं, अब इनका बारी है, हम तो उतना सके पर अब मेरा पति का बारी है कि कितना सकते हैं। काफी टाइट भी है दोस्तों, पर इसको आज फाड़िए के लेके जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए। चुका है और हम लोग मार रहे हैं, अभी देखिए किस तरह से पुल में फाड़ रहे हैं। वाओ अभी टूट गया लगता है, देखिए एक के टंगे में पूरा तोड़िए दिए, दिखाओगे पूरा उसको दूर दूर कीजिए ना, दो टुकड़ा हो गया। अब इसको हम लोग छोटा छोटा करेंगे दोस्तों, इतना हम फाड़ दिए हैं और फाड़ते हैं। लाइए आप थक गया जी, दोनों मिल मिलकर हम लोग फाड़ेंगे। थक गए आप, टंगली नहीं चला सक रहे, दीजिए दोस्तों। हम लोग इतना भर चुके हैं और इतना फाड़ फाड़ कर रखे हैं, हम लोग को एक डब्बा हो ही जाएगा और उसके बाद निकलेंगे दोस्तों और थोड़ा नदी उदी में पानी उनी पी लेंगे, क्योंकि सामने बगल में नदी है दोस्तों, देख सकते हैं। फाड़ लिए लकड़ी को, देख सकते हैं पूरा एकदम चैला चैला बना दिए, और पूर्णिमा जी सबको जमा कर रहे हैं और इतना सारा डाले आप सबको हम लोग फटाफट डालेंगे दोस्तों, और उसके बाद घर निकलेंगे क्योंकि काफ़ी शाम होने वाला है दोस्तों। आप देख सकते हैं और ठंडा भी लग रहा है, और हम लोग कुछ कोट वगैरह साल वगैरह कुछ भी हम लोग पहन कर नहीं आए हैं दोस्तों। तो अब हम लोग घर की तरफ निकलेंगे, इतना लकड़ी कर लिए हैं और काफ़ी साइकिल से आए हैं दोस्तों, और इसमें अगर लेकर जाएंगे तो बैठने नहीं बनेगा, तो हम लोग को पैदल भी जाना पड़ेगा। आने के समय तो बहुत जल्दी आ गए हैं, लेकिन अब जाने के समय थोड़ा सा जाना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि साइकिल तो हम चला के नहीं जा सकेंगे और इसको ले नहीं पाएगा क्योंकि इस सर में लेके जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, फटाफट सब भरिए भरिए, पूरा एकदम एक एक डब्बा हो जाएगा दोस्तों, एकदम एक डब्बा हो जाएगा। सबको हम लोग पूरा फाड़ लिए हैं और एकदम चैला सबको बहुत मस्त एकदम जलाएंगे तो पूरा तापने में मज़ा आ जाएगा दोस्तों, एकदम पूरा एकदम मस्त सूखा हुआ है एकदम प्रास का एकदम, तो एकदम मज़ा लग रहा था फाड़ने में, लेकिन थकावट भी लग रहा था, हम तो पूरा थक गए थे दोस्तों, लेकिन पूरा बैठ लिए उसके बाद फिर कैमरा चालू किए आप लोगों को दिखाने के लिए, नहीं तो करते तो बोल भी नहीं पाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट उठाते हैं और निकलते हैं घर की तरफ, और थोड़ा सा बच्चे लोग की कटाई जो जंगल का बोइर कोइर बोलते हैं यही सबको थोड़ा सा इतना सा तोड़ ले के जाएंगे, और ठक के भी आए हैं कि हम लेके आ देंगे कह के, तो उसको भी तोड़ना है, फटाफट हम लोग उठाते हैं और तोड़ते हैं। देखिए पैर हाथ धो रहे हैं और हम भी कूला वगैरह कर लेते हैं, कहीं गंदा हो गए हैं फाड़ फाड़ के लकड़ी उकड़ी, और पैर हाथ धो लेते हैं। तो देखिए चल गया है, हम भी थोड़ा सा नीचे उतरते हैं दोस्तों और धोते हैं, काफ़ी छलक प्लेम है एकदम, छलक उलक जाएंगे तो गिरिए जाएंगे दोस्तों। तो देखिए इधर धो रही है पूर्णिमा जी नदी में और हम भी धोते हैं। तो दोस्तों पानी इधर से चल रहा है और हम इधर धो रहे हैं, हम धो लेते हैं। बाप रे बाप पूरा ठंडा लग रहा है दोस्तों, इधर से भी ठंडा लग रहा है, पानी तो एकदम बर्फ के जैसा है। गर्मी में काफ़ी मजा से नहा रहे थे, लेकिन अभी बोलिएगा ना, ना बाबा ना नहीं डूब पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ठंडा लग रहा है एकदम। देखिए इधर पानी बह रहा है एकदम दमकल की नदी जा रहा है एकदम, और काफ़ी एकदम काहे कि देखिए दो दिन से पूरा एकदम धूप नहीं उगा था ना दोस्तों, आज थोड़ा बहुत हल्का बहुत थोड़ा बहुत गर्म है, नहीं तो कल तो एकदम इतना ठंडा था ना, नहाने आते हैं तो बाप रे बाप बहुत ठंडा। चलिए दोस्तों हम पैर हाथ पूरा फटाफट धोते हैं, देख सकते हैं पानी एकदम बह रहा है एकदम गड़गड़ाहट एकदम, हाँ 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 क्या मज़ा है, लेकिन ठंडा है नहा भी नहीं सकते हैं। तो चलिए मुकान एकदम धो लिए हैं पूरा, और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं, लकड़ी को भी लेके जाना है और काफ़ी शाम भी हो रहा है। देख सकते हैं नज़ारा एकदम पूरा कांसी हो गया है, गजार हो गया है दोस्तों, एकदम झाड़ी एकदम हो गया है और फूल रहा था उस समय काफ़ी मस्त दिख रहा था। तो देखिए पूर्णिमा जी ठंड लग रही है तो पूरा होड़ के बैठी हुई है, ठंडा लग रहा है, चलिए दोस्तों चलना पड़ेगा। पूर्णिमा जी को उठा देने जा रहे हैं क्योंकि अब हम लोग निकल रहे हैं, देखिए यहाँ पर भर के रखे हुए हैं नीचे में, और चलिए जी लीजिए एक हाथे उठा पाएंगे जी, या जय बजरंगबली, पकड़ दोनों हाथ से, अरे यार अच्छा हम उसको दे देंगे, पर ये बहुत भारी है रे बाप, चलो चलो पापा मम्मी की याद आ गया दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा शायद पापा मेरा प्यार किए होंगे तभी मेरा पापा की याद आया अभी, लेकिन नहीं मेरा मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार किए हैं दोनों बराबर। चलिए हल्का से उठाइए तो दे देंगे, वाह काफ़ी बड़ी है जी आपका। तो चलिए दोस्तों साइकिल के ऊपर में है, नदी से ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, साइकिल को खड़ा किए हैं वहाँ पर हम लोग, तो हमारा झझड़ साइकिल के पास चलते हैं। और झझड़ साइकिल चलते डांडा टूट, तो देखिए दोस्तों हमारा साइकिल
जात रही अका बका फेकाए गिलक ये गिला चका सह लगिन। दोस्तों हम नहीं गाएंगे क्योंकि हम तो सिंगर तो नहीं है। चलिए हम साइकिल को लेकर चलते हैं दोस्तों। कहाँ लीजिए, हमारे पूर्णिमा जी को फूल पसंद आ गया, देखते हैं चलिए दोस्तों इसको भी तोड़ देते हैं। वाह कितना मस्त है, मैं अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए इसको तो नहीं तोड़ना चाहिए, काफी सुंदर खिला हुआ है। साइकिल में क्या करेगी जी लगा के, चलिए आपको जब पसंद आ गया तो शायद तारा को भी लाते कहते आसमान से तो जाना पड़ता है, लेकिन जा ही नहीं पाएंगे, बुलाएंगे कहाँ से। चलिए इसको यहाँ खोज दें। हाँ। वाह साइकिल को देखिए सजा रहे हैं। अच्छा स्कूटी ले देंगे तो आप किस तरह का सजाइएगा? तभी देंगे सजा। अभी दोस्तों अच्छा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो एक दिन जरूर इनके लिए स्कूटी ले देंगे, मतलब आप लोग ले दीजिएगा, हम क्या करेंगे, हम कुछ हमारे पास नहीं है, आप ही लोग ले दीजिएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा अच्छा लग रहा है। इसको तो कमेंट का फिक्र रहता है, ज्यादा ज्यादा कमेंट पढ़ती है। तो चलिए सुंदर लग रहा है हमारा झिझक, थैंक यू, काफी सुंदर है दोस्तों हमारे लिए। एक साइकिल गाड़ी जो होते हैं एक भाई के बराबर होते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं फिर भी हम बताते हैं क्योंकि बहुत मुसीबत में हमारा साथ देते हैं। अभी हम लोग बैठ के आए इसलिए बहुत जल्दी आए, और अगर थोड़ा लेट से आते तो अभी अंधेरा हो जाता, और अभी जाने में थोड़ा अंधेरा हो ही जाएगा। चलिए चलिए आप बढ़िए ना, साइकिल घुमा रहे हैं में। देखिए ये कोयर जो है उसको हम लोग तोड़ दे रहे हैं, पूर्णिमा जी देखिए तोड़ रहे हैं, और हम लोग देखिए इस तरह का जो दिख रहा होगा आपको काला काला नज़र का, यही कोयर है दोस्तों, और इसी को हम लोग बच्चे के लिए तोड़ दे रहे हैं। यही लोग बहुत खाते हैं बच्चा सब, देख सकते हैं आने के लिए कितना जीत कर रहा था। देखिए पूरा तोड़ रहे हैं, काफ़ी सभी में है, एकदम काला हो गया है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, पूरा खट्टा मीठा लगता है। देखिए और इधर भी देखिए दोस्तों पूरा एकदम है, झाड़ी में पूरा भरे हुए हैं, इस साइड में पूरा एकदम पूरा ही है, हम लोग कटाई बोलते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग तोड़ते हैं, फटाफट निकलते हैं घर की तरफ, देख सकते हैं आधा कच्चा भी है और आधा पका भी है दोस्तों। देखिए तोड़ रहे हैं हम लोग काला काला, देखिए हम भी तोड़े हुए हैं। लकड़ी उकड़ी लेकर उधर से आए और काफ़ी थक गए हैं, तो पूर्णिमा जी अब बोल रहे हैं कि चूल्हा उल्हा धरा देंगे, कहे कि काफ़ी शाम होने जा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं पूर्णिमा जी अभी कूला धरा रहे हैं, क्योंकि कोयला और लकड़ी दोनों से हम लोग बनाते हैं, और शाम थोड़ा जल्दी अदा हो गया तो अभी लकड़ी नहीं बनाएंगे, और इसको थोड़ा ठंड भी लग रहा है तो तापेंगे भी, अंदर में घुसा देंगे घर भीतर में। तो अभी पूर्णिमा जी देखिए चूल्हा धरा रहे हैं। अरे लक्ष्मी डर जाएगी रे, तुम जब बनाई थी वीडियो अंडा वाला, दोस्तों ये काफ़ी मेरा बेटी है और बनाती है, एक दो वीडियो बनाई है, एकदम पर्सनल अच्छा लगता है देखने में भी। एक अंडा का कुकिंग का वीडियो बनाई है और एक चिकन मुर्गा का बनाई है, काफ़ी इसका इतना अपना, इसका दादा दादी जितना भी पड़ोसी हैं इधर का सारे इनको तारीफ करते हैं हमारे बेटी का। तो आप लोग भी नहीं देखेंगे तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, इसी में है। तो देखिए हम लोग चूल्हा धरा लिए दोस्तों, मतलब कि कोयला डालने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं रखने खोज रहे हैं दोस्तों, अगर यही आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा न्यू है तो। तो दोस्तों हम लोग जितना भी मेहनत करते हैं, हम लोग आशा करते हैं कि इस वीडियो में प्लीज़ हमारे एक दो सब्सक्राइब आ जाए, ये आ जाए, हमारा बस वही सोच रहता है दोस्तों। और हमारा जितने भी मेहनत करते हैं वीडियो बनाते हैं बस आप लोग भाइयों के लिए, तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारा स्थिति तो आप लोग देख के भी जानते होंगे कि भाई वीडियो बना रहा है तो कुछ तो स्थिति इसका ख़राब होगा तब तो इतना बनाता है। तो दोस्तों आप लोग तो खुद समझ जाएंगे और आप लोग देखकर जानते होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग वीडियो के यहीं रखते हैं, कल नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो लेकर आते हैं दोस्तों, कि ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो सकें। तो चलिए दोस्तों करते हैं इतना ही, बाय बाय।